जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है, दिवाली का दिन। सारी साफ सफाई, सारी मेहनत सब इसी दिन के लिए थी कि माता लक्ष्मी का हम अच्छे से स्वागत कर सके। और पूजा करने का ढंग देखो, सबका अलग अलग होता है। एक लंबा प्रोसेस होता है पूजा का, पूजा करने में लगभग 1 घंटा लग जाता है, तो वो तो संभव नहीं है पूरा दिखा पाना। तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि हमारा जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ किस तरह होता है। और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से करते होंगे लोग, भव्य तरीके से। हम जैसे हल्का फुल्का माता के लिए कर पाते हैं उनके स्वागत में, बस वही करने की कोशिश करते हैं। और माता केवल भाव की भूखी हैं, माता लक्ष्मी अपनी कृपा सब पर बनाए रखे, उन्हें भाव से पुकारो भगवान को, वो आ जाते हैं। और पूजा करने के बाद हमने सारे दीप प्रज्वलित कर दिए थे, और मैं चालीसा, आरती माता की, यही सब पढ़ रही हूँ, उसके बाद दिए रखते हैं। हैप्पी दिवाली सभी को। और पूजा होगी है, अब रखते हैं, चलते हैं दिए रखने के लिए। और पायल चली गई ऊपर रखने के लिए, अभी आती है तो दिखाते हैं आपको, आने वाली है पायल ऊपर रख के दिए। रुक जाओ, चलो दोनों साथ खड़े हो, उल्टा करके बना दो। हैप्पी दिवाली सबको बोलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे ये दोनों हैं टॉम एंड जेरी, दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इतना ज़्यादा गुस्सा ये दोनों करते हैं। मतलब मैं इनको बस करती रहती हूँ, अरे लड़ाई मत करो लड़ाई मत करो, इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। अब मैंने फ़ोटो क्लिक नहीं किया तो अबे कह रहा है कि आपने इतनी देर से फ़ोटो क्लिक नहीं किया था, दोबारा मैं तो फ़ोटो के लिए ही खड़ा हुआ था। अब देखो फिर से लड़ाई हो गई है, नहीं करो, नहीं नहीं लड़ाई नहीं करो, हमेशा लड़ाई लड़ाई करते हो लड़की के साथ। लाइन से लगाओ अच्छे से, ये बड़े वाले तो अलग रख देते जी, ये वाला लगा दे। यहाँ पे क्या रखेगी? अभी बैठे रहो, पाइल इधर दिखाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो देखो इधर। और सुबह से काम करके ना इतनी थक जाती हूँ, शकल पे तो पूरे 12 बज जाते हैं। सुबह जिस टाइम उठी थी 4:45 बजे, तब से उठी, घर की साफ सफाई की, गांव गई देवताओं पे, उसके बाद वापस आकर पूजा की तैयारी, रंगोली बनाना, ये करना, बस पूरा दिन हो गया। खाने में खीर बनी है, हलवा बना है, सब्जी बनाई है मटर पनीर की, पूरी भोग के लिए, माता के भोग के लिए निकाल दिए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये माता का भोग लगा दिया है और इधर देवताओं का लगाया। यहाँ पे एक घी का और एक तेल का, दोनों दीपक जलेंगे पूरी रात। छोड़ रखा है आने वालों के लिए कि कोई भी मिलना आता तो वो मतलब यहीं से अपना। और ये उड़ली यहाँ पे ऐसी सजाई है, देखो यहाँ पे इस तरह की है। और सब जगह दीप रखने के बाद बच्चे जा रहे हैं सबके यहाँ प्रसाद देने के लिए। तो ये वाले जो गज्जक के डब्बे थे, ये वाले अब की बार हमने सबको प्रसाद में दिए हैं। और जो खील पतासों का भी प्रसाद शुभ मानते हैं, तो अब मैंने डब्बे ले लिए हैं सारे, और पायल ने ले लिए हैं खील पतासे। तो ये सब हम अपने नेबर्स के यहाँ पूरी गली में दे के आएंगे, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे अब दिन में दे के आ गया था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि
रंगोली और डेकोरेशन कैसे हुई है। तो ये घर का जो एंट्रेंस है छोटा गेट, वहाँ पे मैंने इस तरह करा है, देख सकते हैं आप। ये वही उड़ली है जो मैंने बनाई है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। इसमें मैंने एक दीपक छोड़ के एक में दिए जलाए हैं, एक एक में फूल रख दिया है। अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे भी एक उड़ली जला कर रख रखी है। हमारे नेबर अभी भी बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे हैं, बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये उड़ली यहाँ पे हल्की सी रंगोली बना के, और ये पिकॉक पायल ने बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक उड़ली मेरी यहाँ पे रखी है, और उड़लियों ने डेकोरेशन में ना पूरा सहयोग किया है। बिल्कुल कहते हैं ना चार चांद लग गए, उड़ली से ना डेकोरेशन में चार चांद लग गया। बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही, सबने बहुत तारीफ करी है। और बच्चों के आने के बाद फिर हमने जलाए थोड़ी सी फुलझड़ी और पटाखे। ये ना कितने साल से हमारे पास रखे थे, 4-5 साल से फुलझड़ी और पटाखे, थोड़े से अनार रखे थे। तो मैंने कहा वैसे थोड़ा सा शगुन कर लेते हैं, चलो जला लेते हैं। अब मैंने कर रहा था फिर भी, मगर चल नहीं, थोड़े थोड़े से हम दोनों में तेरा साथ देती हूँ तो जलाते हैं। तो वही जला रहे हैं। अब पायल से कहा था कि तुम वीडियो बना लेना ठीक से, लेकिन उसने चप्पल नहीं डाली हुई थी तो वो आगे नहीं आई कि मेरे पैर में लग जाएगी। अब देखो मैं भी बच्ची बन गई हूँ अबे के साथ, और जला रहे हैं पटाखे। मतलब शोर वाले हमने नहीं जलाए हैं। हाँ इनसे भी पोल्यूशन होता है मैं मानती हूँ, लेकिन त्यौहार है सभी जला रहे थे। हमारे अकेले के जलाने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से बस। हमारे पास एक डब्बा या दो डब्बे अनार थे, हमने यही जलाए थे। और जो छोटे छोटे चक्री वगैरह थी वो हमने बच्चों को गिफ्ट कर दी थी। हमारे नेबर्स के बच्चे जला रहे थे ना, तो उनको दे दिए थे कि तुम जला लो। देखो इधर ये चक्की चल रही है, चलते चलते एक स्कूटर वालों के पास पहुंच गई थी। ये है नेक्स्ट डे जब मैंने गोवर्धन बनाया। तो गोवर्धन का क्या हुआ ना, जब मैंने गोवर्धन बनाया तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर मैं बच्चों से कहने लगी अरे मैंने तो वीडियो बनाया ही नहीं, सबको कैसा लगेगा कि मैंने नहीं बनाया है गोवर्धन। तो मैंने ये क्लिप ना कैमरे से ली है, कैमरे को काफ़ी स्पीड में करके तब उससे ली है छोटी सी एक क्लिप, कि भाई मैं दिखाऊँ कि गोवर्धन मैंने ही बनाए हैं, गोवर्धन भगवान। और जो डेकोरेशन का वीडियो है वो तो फिर पायल जाग गई थी, तो उसने थोड़ा सा बनाया कि जब मैंने इसकी डेकोरेशन करी। और जो मेरे पास फ्लावर रखे थे और खील होती हैं उससे सजावट की है, थोड़ा सा आटा और हल्दी सुबह मानते हैं तो उससे की है। देखो ऐसे बन के तैयार हुए हैं प्रभु, अब बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो जी बस हम ऐसे ही बनाते हैं, सबका अपना अपना है। और ये एक दिन छोड़ कर हमने गोवर्धन किए हैं 14 नवंबर को। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी भी दिवाली बहुत मंगलमय रही होगी, गोवर्धन पूजा भी बहुत अच्छे से मनी होगी। अब आप भाई दूज भी बहुत अच्छे से मनाइए अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के बड़ों के साथ। खूब खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और स्वस्थ रहिए, अपने बड़ों का बच्चों का ध्यान रखिए। तो जी हमारे यहाँ जैसा होता है मैंने आपको दिखा दिया, जैसी डेकोरेशन करी वो भी दिखा दी है, जो जो बना वो भी दिखा दिया है, जो DIY किया वो भी। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। इसकी बुआ आ आएंगी तो देखती हूँ, वीडियो बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फिर से एक बार खुश रहिए, खुशहाल रहिए, माता लक्ष्मी और गोवर्धन भगवान अपनी कृपा आप पर बरसाते रहें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।